हेलो हाय फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी फार में। तो फ्रेंड्स आज मैं हाजिर हूँ हिमाचल प्रदेश की न्यूज़ को लेकर। तो फ्रेंड्स जो लॉकडाउन 5.0 है, हिमाचल में कर्फ्यू डील और बढ़ाने की तैयारी, बसें चलाने की तैयारी, तो फ्रेंड्स इस वीडियो में आपको जो है पूरी जानकारी दी जाएगी। और पटवारी भर्ती परीक्षा पर भी जो एक बड़ा अपडेट आया है और जो आपके एग्ज़ाम होंगे, तो फ्रेंड्स इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी दी जाएगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए और वीडियो को लाइक करें। चलते हैं वीडियो की तरफ। तो फ्रेंड्स 1 जून से हिमाचल में कर्फ्यू अवधि के दौरान रियायत बढ़ाने की तैयारी है। सरकार ने केंद्र के निर्देशों के अनुसार ही फैसला करने की बात कही है। माना जा रहा है कि 1 जून से सामान्य क्षेत्रों में कर्फ्यू ढील की मियाद जो है वो 12 घंटे हो सकती है। तो फ्रेंड्स जो अब जो कर्फ्यू ढील है वो 12 घंटे हो सकती है। तो फ्रेंड्स चलते हैं। बसों के संचालन के साथ निजी वाहनों के परिवहन को लेकर भी राहत मिल सकती है, हालांकि कंटेनमेंट व बफर जोन में कोई रियायत नहीं होगी। सरकार ने पहले ही उपायुक्तों को 30 जून तक कर्फ्यू अपने विवेकाधिकार का उपयोग कर बढ़ाने की अनुमति जो है वो दे दी है। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। तो फ्रेंड्स हिमाचल में बदल सकता है बसें चलाने का समय। तो फ्रेंड्स आप यहां पे देख सकते हैं कि बसों में कैसी जो है सुरक्षा जो है की जा रही है। तो फ्रेंड्स हिमाचल में परिवहन निगम की बसों की समय सारणी बदल सकती है, प्रदेश सरकार ने इसके संकेत दिए हैं। परिवहन विभाग ने सुबह 7 से शाम 7 बजे तक बसें चलाने का जो फैसला लिया है। ऐसे में अगर शिमला से चंबा बस जाएगी तो वह समय घर नहीं पहुंच पाएगी, इसके चलते समय सारणी में जो है बदलाव किया जाता है। परिवहन मंत्री गोविंद ठाकुर ने इस मामले पर शनिवार को परिवहन विभाग के अधिकारियों और सभी ARM से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से बैठक करेंगे। कोरोना वायरस के बीच हिमाचल में 1 जून से सतर्क बसें जो है वो बसें चलनी शुरू होंगी। परिवहन विभाग ने इसका खाका तैयार कर लिया है, अब इसे मंजूरी के लिए सरकार को भेजा जा रहा है। विभाग का कहना है कि RTO से भी सुझाव लिए जाएंगे, हालांकि अंतर्राज्यीय यात्रा के लिए पास जरूरी हैं। सरकार की योजना के मुताबिक एसी बसों को छोड़कर सभी बसें अपने निर्धारित रूटों पर चलेंगी। सामाजिक दूरी और भीड़ से आने वाले यात्रियों को मास्क पहनना जो है वो अनिवार्य होगा। बसों को रूटों पर भेजने से पहले सुबह और शाम को सैनिटाइज करना होगा। बस के भीतर संवेदनशील स्थानों को प्रत्येक 2 घंटे बाद जो है सैनिटाइज करना होगा। बसों में खड़े होकर यात्रा करने पर मनाही होगी। चालकों परिचालकों के पास सैनिटाइजर जरूरी है। बस स्टॉप और अड्डों में प्रत्येक शौचालय में साबुन होना जरूरी है। HRTC के क्षेत्रीय प्रबंधक सभी बस अड्डों पर मास्क, हैंड सैनिटाइजर, साबुन आदि की उपलब्धता सुनिश्चित करेंगे। तो लोक सेवा आयोग इस दिन लेगा प्रतियोगी परीक्षाओं पर फैसला। तो फ्रेंड्स जैसे कि आपको पता है जो कि लोक सेवा आयोग की जो परीक्षाएं हैं उनके जो एग्ज़ाम होने हैं उनके ऊपर जो है अभी फैसला नहीं लिया गया। तो फ्रेंड्स वो जो फैसला लिया जाएगा वो लिया जाएगा पाँच जून को जो है वो उसके ऊपर फैसला लिया जाएगा। और तो फ्रेंड्स उसमें जो है वो एग्ज़ाम की डेट्स वगैरह फिक्स कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स सरकार ने पटवारी भर्ती परीक्षा मामले के जल्द निपटारे को हाईकोर्ट से लगाई गुहार। तो फ्रेंड्स इसका अपडेट आया है, हिमाचल शिमला पटवारी भर्ती के मामले के जल्द निपटारे की प्रदेश सरकार ने हाईकोर्ट से जो है गुहार लगाई है। वीरवार को हाईकोर्ट में सरकार ने इस बाबत प्रार्थना पत्र दायर किया है। प्रार्थना पत्र में हाईकोर्ट से CBI को जल्द जाँच रिपोर्ट सौंपने का निर्देश देने की गुहार लगाई है। पटवारी भर्ती लटकने से प्रदेश में कामकाज प्रभावित होने का जो इसमें हवाला दिया गया है। तो बता दें कि पटवारी भर्ती का सरकार ने परिणाम घोषित कर दिया है। तो फ्रेंड्स अभी जो इसका जो लॉकडाउन के चलते इस मामले का निपटारा जो है लटक गया है। फ्रेंड्स कोर्ट ने मामले की जांच जो सीबीआई को सौंपी है। लॉकडाउन के चलते इस मामले का निपटारा जो लटक गया, ऐसे में अब सरकार ने कोर्ट से सीबीआई को जल्द जांच रिपोर्ट सौंपने को जो है